जी गुरु जी को अलख आदेश, माँ भगवती को अलख आदेश, रांची वाले भैरव बाबा को अलख आदेश, आप सभी को आदेश आदेश। एक श्रृंखला की आज शुरुआत है, श्रृंखला है कि हम तंत्र को समझें। क्या होता है तंत्र, क्यों होता है तंत्र, क्यों तंत्र को अच्छा मानना चाहिए या क्यों तंत्र को बुरा माना जाता है। अलग अलग एपिसोड्स में अलग अलग विषयों पर हम बात करेंगे। आप अगर एक सामान्य सनातन परिवार में हैं, तो आपने वेद, गीता, रामायण, महाभारत, है ना, भागवत, इन सब चीजों पर वार्तालाप सुना होगा या फिर इन सब ग्रंथों को घर में देखा होगा। लेकिन तांत्रिक विषयों के किताब या तंत्र पर चर्चा पिछले कुछ, मैं दशकों बोलना चाहूंगा या 100 वर्ष की अवधि आप ले सकते हैं, 100 वर्ष की अवधि से लुप्त हो गई, क्योंकि तांत्रिकों का एक चरित्र चित्रण कर दिया गया है। तंत्र के विषय में ऐसा बता दिया गया है कि तंत्र का मतलब अभिचारिक कर्म होते हैं। अभिचारिक कर्म मतलब मारन, किसी को मार देना, मोहन, किसी को वश में कर लेना, उच्चाटन, किसी का मति भ्रम कर देना, और इस तरीके के जो और 3 कर्म होते हैं। और हम भी इन बातों को सुनकर और जो आज के दिन में दूर संचार का माध्यम है उसमें भी हिंदू धर्म और जो तांत्रिक हैं उनका बहुत ही नेगेटिव एक आउटलुक दिखाया जाता है, पर हमें कोई अंतर नहीं पड़ता है, क्योंकि हमारे हिसाब से हमारा हिंदू धर्म मूर्ति और मूर्ति के सामने वैष्णव क्रिया से पूजा है और इसका तंत्र से कोई लेना देना नहीं है। तो बहुत आश्चर्य होगा आपको जानकर कि जो मूर्ति पूजा हम करते हैं वो वैदिक पूजन नहीं है। मूर्ति पूजा तंत्र पूजा का एक भाग है। मोटा मोटी बताएं तो आगम और निगम 2 भाग में सनातन धर्म में अपने ज्ञान को बांटा गया। ये दोनों मार्ग वो हैं जिनसे आप भगवान को, महादेव को, स्वयं को, ब्रह्म को पा सकते हैं। एक भाग वेद का है जिसमें वेद का अनुसरण करते हुए आप देवत्व को प्राप्त कर सकते हैं, और दूसरा तंत्र मार्ग है जिसमें तांत्रिक विविध तरीके का प्रयोग है वो बताया गया है, उससे भी आप देवत्व को प्राप्त कर सकते हैं। इतना कहकर आपको मैं एक और विषय बताता हूं। जो हमारा हिंदू शास्त्र है ना, उसको मूलभूत रूप से 4 भागों में विभाजित किया गया। पहला था श्रुति, दूसरा स्मृति, तीसरा पुराण और चौथा तंत्र। ठीक है, तो ये जो मैंने क्रम बताया, ये क्रम में धर्म को या फिर हमारे हिंदू शास्त्र को बांटने का कारण था। तो जो सबसे पहला था वो था श्रुति। श्रुति मतलब सुनने वाला, मतलब वेद। जो पहला श्रुति है मतलब वेद है ना, इनका उपयोग अनुसरण लोग सतयुग में कर सकते थे और उसी आम जनमानस के लिए। देखो, विद्वान जो हो, जिनके पास मतलब भगवत शक्ति हो, जो अनंत काल से साधनाएं कर रहे हैं, वैसे लोग किसी, उनके लिए कोई कालखंड और कोई चरण जो है वो महत्वपूर्ण नहीं है।
लेकिन आपके और हमारे जैसे लोगों के लिए ये ज्ञान है। तो सतयुग में वेद, वेद से आप करते थे भगवत प्राप्ति, त्रेता में स्मृति से, द्वापर में पुराण से, और कलयुग में तंत्र शास्त्र प्रभावी है ऐसा माना गया है। इसमें जो श्रुति है ये सबसे ऊंचा है, जो वेद आदि ग्रंथ हैं ये सबसे ऊंचे हैं, क्योंकि इनको किसी ने लिखा नहीं है, ये स्वरचित है। इनका कोई भी कहीं से इनका आगमन नहीं हुआ है, ये हैं। जैसे पृथ्वी अनंत है और जो ब्रह्मांड है वो हमेशा से है, जो महाशून्य है वो है, महाशून्य का कहीं से प्रादुर्भाव नहीं हुआ, उसी तरीके से माना जाता है श्रुति यानी वेदादि, वेद जैसे ग्रंथों का जो है कहीं से आगमन नहीं हुआ। ठीक है, इसी में जैसे जो चार वेद माने जाते, तो तीन वेद पहले आए, फिर चौथा वेद आया, और अब माना जाता है कि जो पंचम वेद है वो तंत्र शास्त्र है। ठीक है, तो तंत्र शास्त्र को बहुत जगह पंचम शास्त्र या निगम बोलते हैं। तो हमारे जीवन में एक एक पग पर हम तंत्र शास्त्र का ही प्रयोग करते हैं, क्योंकि हम कलयुग में हैं, इसको आप नकार नहीं सकते। जो वेद के अनुसार धर्म का, सनातन धर्म का अनुसरण करेगा, उसके पास एक हवन कुंड होना चाहिए, अग्नि सर्वोच्च या फिर सबसे प्रत्यक्ष देवता है, और हमारे और देवी और देवताओं के बीच का जो कनेक्टिंग पॉइंट है वो अग्नि देवता होते हैं। तो यज्ञ के माध्यम से देवताओं को यज्ञ भोग पहुंचाना, इसका और भी वर्णन हो सकता है, उसके लिए मैं सबसे उपयुक्त व्यक्ति नहीं हूं। ठीक है, तो वो हो जाता है वैदिक धर्म। और तांत्रिक धर्म होता है जब आप यंत्र, तो जैसे ही आपने एक तस्वीर लगाया देवता का या आपने एक मूर्ति लगाई, तो आप उस समय एक यंत्र के सामने बैठ जाते हैं। ठीक है, उसके बाद जब आप पंच पूजन करते हैं तो वो एक तांत्रिक विधान आप करते हैं रोज अपने घर में, और उस पर जब आप मंत्र पढ़ते हैं या चालीसा पढ़ते हैं उस यंत्र के सामने, तो एक पूरा तंत्र का रचना होता है आपके घर में। इसीलिए मैंने अपने और जो मैंने बात किया है आप लोगों से चैनल के माध्यम से, उसमें मैंने आपको बताया है कि किसी देवता का, जैसे तारा का हमने बताया था कि आपको उसका पारद में ही मूर्ति रखते हैं, वरना तारा की स्थापना जब भी होती है वो मृत ब्राह्मण के शरीर पर होती है। ठीक है, जो सरस्वती है, सरस्वती का जो विग्रह हम घर में रखते हैं तो वो चंदन में रखते हैं। माँ भगवती देवी दुर्गा, चामुंडा या काली अष्ट धातु में विराजती हैं। लक्ष्मी को सोने में रखना चाहिए। ठीक है, तो ये सब क्या है, ये सब अब तो खैर चाइना का बाजार है तो सब कुछ एक ही मटेरियल में मिल जाता है। जो मेटल नहीं यूज कर सकते हैं भारतवर्ष में, वो सही शिल्प कला देख करके पत्थर की मूर्ति रख सकते हैं। तो ये तो हम लोग सब अपने घर में करते हैं, लक्ष्मी गणेश की मिट्टी की मूर्ति स्थापना करना, ये भी हम लोग साल में एक बार करते हैं। फिर जो भी हम विग्रह स्थापित करते हैं उसमें देवता को मानते हुए, और उस मूर्ति के माध्यम से हम देवता तक अपने कंठ से ईश्वर, ठीक है, वो बीज अक्षर उस मूर्ति के माध्यम से उस अनंत तक पहुंचाते हैं। ये एक प्रक्रिया है। तंत्र क्या है? तंत्र एक प्रक्रिया है। जब आप आगम में जाते हैं तो कोई प्रक्रिया नहीं अपनाते, आप सीधे हवन करते हैं और मानते हैं कि ये देवता तक ये यज्ञ भाग पहुंच गया। लेकिन जब आप तंत्र के हिसाब से पूजा करते हैं, जैसे घर में हम करते हैं, अलग अलग देवी देवताओं के लिए अलग अलग व्यवस्था करते हैं। आज के दिन में आप देखेंगे कि कृष्ण भगवान का जो बाल रूप है लड्डू गोपाल, उसका घर में सब व्यवस्था रखते हैं, उसको उनको भोजन देते हैं, पानी देते हैं, है ना। तो ये है तंत्र। तो ये निगम है जिसके माध्यम से हम लोग घर में पूजा करते हैं। अब आपको जो पंडित हैं वो समझाएंगे कि ये गलत है, ठीक है, और वेद में कहीं भी तंत्र का उल्लेख नहीं है।
तो अथर्व वेद अगर किसी ने पढ़ा हो तो उसमें जो अभिचारिक कर्म है उसके बारे में दिया गया है, ठीक है। लेकिन लक्षण का बहुत उल्लेख नहीं है। आदि शंकराचार्य जी ने एक उपनिषद लिखा जो ईसा पूर्व, मुझे लगता है 700 साल पहले का है, उसमें इसमें इसके बारे में और विश्लेषण मिलता है, ठीक है। ऋग्वेद अगर आप पढ़ेंगे, ये मैं आपको जानकारी इसलिए दे रहा हूं क्योंकि आप अगर तंत्र पूजा करते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि सनातन धर्म में आपका जड़ कहाँ पर है। अभी मैं दक्षिण मार्ग के हिसाब से बता रहा हूं, इसके बाद मैं वाम मार्ग के हिसाब से बताऊंगा। तो ऋग्वेद में आप देखेंगे कि तारा विद्या का परिचय मिलता है, ठीक है। तारा विद्या जो है वो नव दुर्गा में नहीं आती है, ठीक है। भगवती का जो हम लोग रुद्रमलय तंत्र में नहीं आता है, वो तारा विद्या जब भी आता है वो 10 महाविद्याओं में आता है और द्वितीय महाविद्या है, ठीक है। शिव का ऋग्वेद में कहीं भी कोई स्थान नहीं है, ठीक है। वो प्रधान पुरुष कहे जाते हैं और शक्ति को उसमें प्रकृति कहा जाता है, ठीक है। तो इन दोनों को जब आप शब्दों को मिलाएंगे तो आपको उसमें भी तंत्र का उल्लेख मिलेगा, ठीक है। और यजुर्वेद में शिव जी के अनेक नामों का वर्णन है, इसीलिए उनको तंत्र कहा जाता है। शिव जी को ही मूल रूप से तंत्र कहा जाता है। तो ये हुआ दक्षिण मार्ग की तरफ से तंत्र क्या है, इस पर एक उल्लेख, तंत्र क्यों है, कैसे है, ठीक है। अब वाम मार्ग की साधना में अगर हम चले जाते हैं तो बहुत सारा विषय है जिस पर कि आपको सोशली डिमोरलाइज किया जाता है। जैसे तंत्र मार्ग में मद्यपान होगा, तंत्र मार्ग में बलि पूजा होगी, आपको मांस खाना होगा, आपको मदिरा पीनी होगी, ऐसा ऐसा विषय आता है। लेकिन तंत्र मार्ग में सौम्य और उग्र साधना दोनों होती है, ठीक है। आप जैसे भैरव जी की साधना करते हैं तो भैरव जी की साधना में उनको इमरती चढ़ा के भी पूजा होता है और बकरे का कलेजा चढ़ा के भी पूजा होता है, बलि पूजा भी होता है। ऐसे मैं आपको एक ऐसे ही बता देता हूं कि त्रोत्रामणि एक यज्ञ का अंग है दक्षिण मार्ग में, ठीक है, वैष्णवों में, जिसमें कि मादक पेय जो है वो ग्रहण किया जाता है, ठीक है। सुरा जो है यज्ञ को पवित्र करता है, ये हम वाम मार्गी नहीं कहते हैं, ये जो दक्षिण मार्ग है, जो वैदिक संस्था जो चलती है, जो वैदिक ज्ञान है उसके हिसाब से भी सुरा जो है वो यज्ञ को पवित्र करता है। आज के दिन में क्या है कि सुरा का बहुत सारा जो है आजकल सोशली एक्सेप्टेबल होने के लिए जो पुराने विषय हैं, जो पौराणिक काल के विषय हैं, उसको इस तरीके से तोड़ मरोड़ करके पेश किया जाता है कि हम उसको आज के सोशल स्टिग्मा को दूर करते हुए एक्सेप्ट कर ले। लेकिन विषय यह है कि जो पुराना जो हमारा समाज था, जो सनातन धर्म का समाज था, वो हमसे कहीं ज्यादा इवॉल्व था, उसमें सोशल स्टिग्मा बहुत ज्यादा कम था और जो चीज था उसको वो सत्यता के साथ एक्सेप्ट करते थे। आज का जो युग है इसमें क्या है कि लोग करते भी हैं और उसको छुपाते भी हैं। खैर, तो सुरा सुरा होता है, ठीक है। और सुरा का जो है प्रयोग यज्ञ को शुद्ध करने में होता था। सोम को अमृतादायक, मतलब अमृत भी बोला जाता था, ठीक है। यज्ञ में इसकी कितनी मात्रा देनी है और कितना ग्रहण किया जाए, ये सब भी लोगों को बताया जाता था। पितरों को, अश्विनी कुमार को, विनायक माता को भी सुरा अर्पित होता था एक समय में। सोच लीजिए, जब जैसे अभी पितृपक्ष चल रहा है तो पितृपक्ष में भी सुरा का प्रयोजन होता था। और जो यज्ञ होता था उसमें देवता को पशु जन्य, वनस्पति जन्य, हाँ, ऐसे चीजों को अर्पित किया जाता था। देखिए दूसरा कि कोई भी पूजा करे उसमें मुद्रा जो है, मुद्रा तांत्रिक विषय है, और मांस मद्य मुद्रा ये सभी देवता में प्रयोग होता था। और एक चीज है कि जब ये भी जब मंत्र बोलेंगे, जो अपने आप को वैष्णव बोलते हैं ना, उनकी पूजा में भी होम फट इन शब्दों का प्रयोग होता है। जो शतपथ ब्राह्मण है उनके अनुसार जो भगवती सरस्वती हो उनको वाग देवी कहकर पशु बलि दी जाती थी,
ठीक है, रात्रि देवी की जो पूजा होती है, रात्रि सूतक जो है ना, उसमें जो प्रधान भगवती है वो सरस्वती है, एम भ्रम क्लिम, ठीक है ना। तो इसमें बलि देना जो था वो अनिवार्य था। तो मैं आपको ये इन सब चीजों को इसलिए बता रहा हूं कि आप एक चीज समझ लें कि बिना तंत्र का पूजा होना, अगर आप हवन नहीं कर रहे हैं या कोई भी जो हवन नहीं कर रहा है वो तांत्रिक पूजा ही कर रहा है, और वो अगर किसी चीज का खंडन कर रहा है तो सिर्फ ज्ञान की उसकी कमी है, और आप उस चीज का खंडन ना करते हुए शास्त्र अनुसार, तंत्र शास्त्र के अनुसार अगर पूजा कर रहे हैं, निगम शास्त्र के अनुसार अगर पूजा कर रहे हैं, तो आपका जो पूजा है वो फलदायी है। देखिए कलयुग में क्या है कि नाम जाप से भी जो है फल मिलता है, तो कुछ भी आदमी करे, तो जैसे बच्चे का की मति होती है कि बच्चा कुछ भी कर रहा है तो माँ बाप उस पर ध्यान नहीं देते, उसको डांटते नहीं है, तो वो जो वेग है श्राप का वो कम हो गया है। ये सबके लिए बहुत ही फायदे का विषय है, लेकिन अगर आप सही सही तंत्रोक्तर विधि से बिना सोशल स्टिग्मा में आए कि ओहो भगवती को कारण कैसे चढ़ाएंगे, तो शराब कैसे चढ़ाएंगे या बलि प्रदान कैसे करेंगे, हम खुद भक्षण नहीं करते तो हम कैसे बलि प्रदान करते, और 10 लोगों को मना भी करते कि भगवती खाती है लेकिन दो मत, ठीक है। तो इन सब चीजों से बिल्कुल ऊपर उठ करके तांत्रिक साधनाओं का आपको प्रयोग करना चाहिए। तांत्रिक जो अभिचारिक प्रयोग है वो आपको करना चाहिए। मैं एक बहुत बड़े एक साधु महात्मा, जो बोल लीजिए, पता नहीं क्या है आज के डेट में तो कहना बड़ा मुश्किल है, वो हमें उनका एक वीडियो ऐसे ही चलते फिरते मैंने सुन लिया, उन्होंने बोला कि अगर भगवान को हम मिठाई चढ़ाते हैं, दूध चढ़ाते हैं, मेवा चढ़ाते हैं, इतने स्वादिष्ट व्यंजन चढ़ाते हैं, तो देवता जो है वो मीट मछली क्यों ग्रहण करेंगे। देवता हैं, उनको जो भी ग्रहण करना हो वो करेंगे, उनके लिए मीट मछली और दूध दही बराबर है। और दूध दूध एक ऐसा वस्तु है जिसका तंत्र शास्त्र में काफी प्रयोग है। बस जो नहीं जानते उनको ये भी बता दूं कि दूध में, दूध के अलावा पशु पस और रक्त का भी मिश्रण होता है, ठीक है, तो उसका एक विशेष उपयोग होता है तंत्र में। और इसमें जब और विशेष जाना चाहिए आप लोग, तो फिर आप लोग गरुड़ तंत्र है ना, एक तंत्र है उसको कहते हैं गरुड़ तंत्र, एक तंत्र है उसको कहते हैं मोक्ष तंत्र, ये सब किताब पढ़े। जो वाम मार्गी जो साधना करते हैं उनके लिए तो बहुत सारी चीजें हैं, ठीक है ना, लेकिन दक्षिण मुख के लिए जो है गरुड़ तंत्र अच्छी किताब है, भूत तंत्र है, भैरव तंत्र है, सम्मोहन तंत्र है, इस तरह की पुस्तकें हैं, ये सब व्याख्यान आप लोग पढ़ सकते हैं। उसके बाद वाम मार्गी साधक आते हैं, जैसे शाक्त जो साधक होते हैं, शाक्त साधक क्या होते हैं, जो मूलाधार से लेकर के जब हम चक्रों की बात करते हैं, अजना चक्र जागृत हो गया, सातों चक्र जागृत हो गया, तो ये नाथ संप्रदाय वाले इसका आधिपत्य नहीं ले सकते हैं, ठीक है, या कौल मार्ग वाले जो हैं इसका आधिपत्य नहीं ले सकते, ये शाक्त संप्रदाय का है कि उसमें मूलाधार से लेकर के शास्त्र तक सभी धर्म, ज्ञान, वैराग्य, ऐश्वर्य ये सब जो है उसमें समाहित है, ठीक है। जो कौल मार्ग है उनकी जो मान्यता है कि वैदिक धर्म जो है वो श्रेष्ठ है, ठीक है, लेकिन शैव मत में सबसे सर्वश्रेष्ठ जो है वो कौल मार्ग ही है। अब उसी में आप आ जाएंगे नाथपंथियों में, तो वो बोलेंगे कि सबसे उत्तम जो है, सबसे ऊंचा जो है वो नाथपंथ का तंत्र है, और अगर सब किसी को सबसे ऊंचा मानते हैं तो वो डाकिनी शक्ति को मानते हैं। खैर ये आम जनमानस के जानने वाला विषय नहीं है, समझना इतना है कि विषय है कि कौल मार्ग अपने से ऊपर मानता है वैदिक धर्म को, ठीक है, वैष्णव मार्ग में वेद को उत्तम माना जाता है, शैव मत में जो है वो वैष्णवों से उत्तम माना जाता है, और शैव मार्ग में वाम मार्ग को दक्षिण मार्ग से ऊपर माना जाता है, और वाम की उपेक्षा में सिद्धांत मत एक है उसको सबसे ऊपर माना जाता है, ठीक है। ये टेक्निकल बातें हैं, ये अगर कोई अगर आपसे पूछे कि
कि भाई क्या है, कैसे है तंत्र, कौन कौन सा मार्ग है, तो ये आप बता सकते हैं। इन सबों को एक तरफ अगर हम कर दें तो फिर पूर्ण रूप से तांत्रिक साधनाओं पर आते हैं। जो साधना करते हैं, पूजा का तो हो गया, जो साधना करते हैं तो बहुत सारा मैंने बताया है पहले भी कि महादेव अपने गले में जो मुंड माल पहनते हैं उसमें 108 मुंड है, जो भगवती पार्वती का 108 जन्म है, और भगवती पार्वती को महादेव से उस तंत्र को लेने में 108 जन्म लगे थे। तो इसमें सारा तो हमारे पास है नहीं, लेकिन महादेव के जो भी रूप थे उसी के हिसाब से, चाहे वो रुद्र रूप में हो, उद्यमेश्वर रूप में हो, या फिर भैरव रूप में हो, तो उसी तरीके से तांत्रिक ग्रंथों का नाम हुआ। और वही तंत्र का जो है वो सार है, ठीक है, वो उसी को तंत्र कहते हैं, जो भगवती और महादेव में, भैरव भैरवी में जो भी वार्तालाप हुई, जो ज्ञान उनको दिया गया, उसको ही तंत्र कहते हैं। तो बहुत सारे तांत्रिक ग्रंथ हैं, उसी में जो मैं हमेशा बताता हूँ, उड्डमारेश्वर तंत्र है, आकाश भैरव कल्प है, काक चंडिका स्वर कल्प तंत्र है, योग रत्न माला तंत्र है, काम रत्न तंत्र है, उड्डीश तंत्र है, कछपुट तंत्र है, दत्तात्रेय तंत्र है, रस रत्नाकर तंत्र है, रसनाकर तंत्र है, गौरी तंत्र है, वन दुर्गा संहिता है। तो इस तरह की जो किताबें हैं, ये सारे को मिला करके जितना भी, अभी 1,000 अगर मैंने आप लोगों को वीडियो दिया है जिसमें मंत्र ना हो, समझिए बात को, अगर मंत्र है तो वो इनमें से आया है, और अगर शावर मंत्र है तो शावर का तो विधान बिल्कुल ही अलग होता है, ठीक है ना। तो ये सारी चीजों को लेकर के तंत्र का उद्गम होता है, मतलब कहाँ से तंत्र आया, जो तंत्र मंत्र आप बोलते हैं, जो हम मंत्र बोलते हैं, ओम ऐं ब्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चय एक मंत्र बोलते हैं, या ओम ऐं ब्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चय ग्लौं हूं क्लूं जूं सह ज्वालय ज्वलई प्रज्वल प्रज्वल, ये मंत्र हम बोलते हैं, ठीक है, या ओम क्रीं 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 दक्षिण काली के बोलते हैं, कोई भी मंत्र बोलते हैं, ओम ह्रीं श्रीं ताराय नमः, ये मंत्र बोलते हैं, महादेव का मंत्र बोलते हैं, श्याम सदा शिव का मंत्र बोलते हैं। तो ये जो हम मंत्र बोलते हैं, ये मंत्र कहाँ से आया? तो ये सारा जो मंत्र है, ये सब मंत्र एक ही जगह से आया है, वो है महादेव और भगवती के वचनों से, जो इन लोगों ने बात किया, वही जो है एक तंत्र शास्त्र बन गया। पहले जमाने में जब सतयुग था, त्रेता था, द्वापर था, या फिर कलयुग, कलयुग में हमारे पास मॉडर्न साइंटिस्ट होते हैं, पहले के साइंटिस्ट ऋषि मुनि थे, ठीक है, तो मनुष्यों के कल्याण के लिए वो अलग अलग तरीके का प्रयोग करते थे और फिर वो मनुष्य को देते थे। तो मैंने एक सिद्धांत बताया था, जो वेस्टर्न सिद्धांत है उसके हिसाब से जो पृथ्वी है उसके मूल निवासी रेप्टेलियंस है, और रेप्टेलियंस को भगा करके मनुष्य प्रजाति को यहाँ पर बसाया गया, लेकिन जो इनका मूल स्थान है उसका याद ना रहे इसलिए इनके हमारे ब्रेन्स को लॉक किया गया, और ये जो मंत्रोच्चारण होते हैं वो लॉक का कोड है जिससे वो खुल जाते हैं। और उससे क्या होता है कि हम जब तंत्र साधना करते हैं, ठीक है, तो दो तरह की चीजों के लिए हम तंत्र साधना करते हैं। पहला जो तंत्र साधना करते हैं वो हम अपनी कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए करते हैं। एक व्याख्यान में देने वाला हूं अभी अपने दूसरे चैनल शिशिर कुमार पर, जिसमें हम एलियंस के विषय में बात करेंगे, मतलब एलियंस का मतलब बिल्कुल यूएफओ पे मत चले जाइएगा, ठीक है। तो एलियंस के बारे में जो है, हमारा तंत्र शास्त्र बहुत पुराना है, हम जब भगवती का कवच भी पढ़ते हैं तो उसमें भी हम बोलते हैं बेताल कूष्मांड भैरव राक्षस ब्रह्म राक्षस, है ना, इतनी एंटिटीज का नाम आता है, डाकनी शाकनी आकाश में विचरने वाली घोर डाकनिया, हाँ, इन सब चीजों का हम लोग वर्णन करते हैं, तो हम लोग सोचते हैं कि ये इंसान है, नहीं, ठीक है। तो जब हम मंत्र साधना करते हैं, जब हम तंत्र साधना करते हैं, तो उसमें देवताओं की साधना करते हैं जो हमारे लिए अच्छे हैं, जो देव दैत्य हैं, जैसे हमने बताया था कि जो हमारे गुरु
जी वीरनाथ जी थे, उन को दैत्य सिद्ध थे, राक्षस सिद्ध थे। फिर यक्षों की साधना करते, गंधर्वों की साधना करते, किन्नरों की साधना करते, योगिनियों की साधना करते, अप्सराओं की साधना करते हैं, देव कन्या जैसे वरताली की साधना करते जो कान में आके भविष्य बताती है, नाग कन्याओं की साधना करते हैं, ठीक है, और जो छोटे मोटे साधक होते हैं वो प्रेतों की साधना करते हैं। ठीक, इतना वैरायटी मनुष्य के अलावा हमारे तंत्र में पहले से हम लोगों को दे दिया गया है कि जो आपकी दृष्टि ना देख सके, जो आपका कान ना सुन सके, जो आप महसूस ना कर सके, वो इन शक्तियों को बुला करके इनसे पूछिए कि मुझे सत्य तक जाना है, मुझे महादेव तक जाना है, तो मैं आगे क्या करूं। जो लोअर डायमेंशन के एंटिटीज हैं उनसे आप जो यात्रा आप कर चुके हैं उसके बारे में पूछे, और जो हायर डायमेंशन के एंटिटी है उससे आगे का आप यात्रा पूछे। अच्छा, ये तो हो गया आध्यात्मिक मार्ग में प्रगति। फिर तंत्र का दूसरा प्रयोग क्या था? तंत्र का प्रयोग था, उस समय हवाई जहाज तो था नहीं, उस समय पानी का जहाज था नहीं, लेकिन लोग ट्रैवल भी करते थे। और जैसे इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में बात करें तो जो परफेक्शन के साथ वो बना हुआ है वो शहर, तो ये मतलब सोचने कि शक्ति आपकी गड़बड़ा जाएगी या लोगों की गड़बड़ा गई कि इतना परफेक्ट कोई कैसे बना सकता है। तो हमारे ऋषि मुनि ने हमारे क्षमता को विकास करने के लिए अनिमा, लगिमा, महिमा, प्राप्ति है ना, उसके बाद वशीकरण, अष्ट सिद्धियां, मारण, मोहन, वशीकरण, स्तंभन, उच्चाटन, उसके बाद जल का स्तंभन, अग्नि का स्तंभन, आकाश मार्ग से यात्रा करना, ठीक है, ब्रह्मांड के विभिन्न लोकों का यात्रा करना, परकाय प्रवेश, इतने सारी चीजों का जो विज्ञान है वो हम लोगों को दे दिया, जो आज के डेट में हम लोगों को लगता है कि ये सब कहानियां हैं, लेकिन ये सब कहानियां हैं नहीं, ये सब होता था। अब हमारे पास ना इतना जीवन है, हमारा आयु इतना बड़ा नहीं है, ना हमारे पास इतना कंसिस्टेंसी है। हम लोग आज एक चीज में फंसते हैं, कल दूसरे चीज को सिद्ध करने में लग जाते हैं। कोई व्यक्ति होगा जो कि अपने जीवन का, जैसे जो सिद्ध हुए नवनाथ 84 सिद्धन के बारे में आप अगर आप पढ़िएगा, उसमें एक एक सिद्ध थे जो एक मंत्र का जाप 300 साल, 350 साल करते थे, और हम अगर बोलते कि एक मंत्र का आप 51 माला जाप कर लीजिए तो पसीने छूट जाते कि 51 माला कैसे होगा प्रभु। ठीक है, तो मनुष्य ने देवताओं तक पर विजय प्राप्त किया था इन सब चीजों से। कल मैं पूज्यपाद पुरी शंकराचार्य को सुन रहा था, तो उन्होंने बताया कि जो ब्रह्म के स्थान पर बैठे हैं, जो इंद्र के स्थान पर बैठे हैं, वो भी कभी मनुष्य थे, और वेद और जो मंत्रों के उच्चारण और प्रभाव से यज्ञों को करके वो आज के डेट में, मतलब आज के समय में, आज के काल में वो ब्रह्म के उपाधि पे विराजमान है, या इंद्र के जो देवताओं के राजा हैं कि उनके भी उपाधि पे विराजमान है। तो हमें यहाँ से ये समझना चाहिए कि जो हमारा वैदिक ज्ञान है, ठीक है, जो हम हमें तंत्र सिखाया जा रहा है, जो हमें मंत्र सिखाया जा रहा है, जो हमें यंत्रों की जानकारी दी गई है, जो कि धीरे धीरे लुप्त कर दिया गया है, क्योंकि ये समझो ये इसलिए इसको लुप्त किया जा रहा है ताकि हम जो सनातनी है वो कमजोर पड़े। हम में से एक एक व्यक्ति अगर इन सब चीजों का ज्ञान रखे तो अपने साथ, अपने राज्य का, अपने समाज का, अपने राष्ट्र तक का हित कर सकता है। अपना हित तो बहुत छोटी सी बात है, ठीक है। तो दो मूल विषय हैं, पहला ये कि आज के दिन हम सभी तांत्रिक साधक हैं, क्योंकि वेदा अनुसार हम लोग पूजन पाठन नहीं करते हैं, ठीक है। दूसरा विषय, तंत्र जो है वो गुप्त है, लेकिन तंत्र ही उद्धार का मार्ग है, और तंत्र से ऐसी ऐसी चीजों को आप प्राप्त कर सकते हैं जो कि आम जनमानस के लिए स्वप्न के बराबर, या फिर जैसे फैंटेसी मूवीज है, कैप्टन अमेरिका और वो जो साउथ की चलती है भारत में शक्तिमान, वो आपको उसके तरह प्रतीत होगा, लेकिन ये सब कभी ना कभी भारतवर्ष में संभव था, संभव आज भी है। अभी देखिए अभी क्या है कि किसी भी किताब को आप निकाल लीजिएगा, मान के चलिए हमारा प्रिय पुस्तक उद्यमेश्वर तंत्र, उद्यमेश्वर तंत्र भी उसको लोग बोलते हैं, उसमें जब आप विधान पढ़ना शुरू कीजिएगा तो बहुत सारे विधान कालांतर में लुप्त तो हो चुके हैं, ठीक है।
तो अब क्या है उसमें काम है कि उस पर रिसर्च करना। जैसे अभी मैं रिसर्च कर रहा हूं कि ये जो वेताल, कूष्मांड, भैरव, ये सब जो पहले पृथ्वी पर विचरते थे और इस संख्या में विचरते थे कि लोग सुबह उठ करके और देह बंधन मन बंधन करते थे ताकि इनका जो है असर हमारे शरीर पर ना हो, ये अचानक कहाँ विलुप्त हो गए। दूसरा, एक लेख अभी मैं प्रकाशित करने वाला हूँ कि जो यंत्र होता है वो यंत्र क्यों होता है, वो शून्य से शुरू होकर अष्टदल तक और फिर जो है एक शून्य बना करके यंत्र को बंद कर दिया जाता है, ऐसा क्यों किया जाता है। इन सब चीजों पर मैं शोध कर रहा हूँ, धीरे धीरे आप लोगों के बीच में वो सब ज्ञान भी देता रहूंगा। लेकिन आप अगर तांत्रिक साधक हैं तो आप बहुत ही उच्च कोटि का आपका आगे का भविष्य है, है। और क्या होता है पूजा, क्या होता है देवता और क्या होता है देवत्व का आभास, ये आप ही को पता चल सकता है। इसीलिए ज्ञान ये है तंत्र का, भूत में क्या था तंत्र और भविष्य में क्या होगा ये तो हम लोग लिखेंगे, ठीक है। तो तंत्र के हिसाब से अगर पूजा कर रहे हैं तो पूरा ज्ञान लेकर के ठीक से पूजा को करिए, आपके घर में और आपके समाज में कभी भी कोई दिक्कत या असुविधा नहीं होगी, डरने योग्य कुछ नहीं होता तंत्र में, क्योंकि जो चल रहा है वो ही महातंत्र है। महामाया के प्रसाद से आपका शरीर जो चल रहा है वो भी महायंत्र है, जो कि श्वास से और ओम के नाद से चल रहा है, ठीक है। तो जब आप खुद ही तंत्र है तो आपको तंत्र से डरने की आवश्यकता नहीं। हाँ, आप किसी का अहित करेंगे तो अहित आपका भी होगा, बस इतना दिमाग में रखते हुए तंत्र का प्रयोग करना चाहिए। पहली वार्ता को यहीं पे विराम देता हूँ, अगली वार्ता में और दूसरे विषय पे, तंत्र का जो थोड़ा गहरा विषय है उस पर हम बात करेंगे। जिनको बेसिक साधना ग्रुप से जुड़ना है, जिसमें हम साधना का शुरुआती विधान सिखाते हैं, देह बंधन मन बंधन यंत्र बनाना, वो मेरे नंबर 9431188585 से जुड़ सकते हैं। ये एक पेड ग्रुप है। जिनको मेरा आगामी लेख या फिर कार्यक्रम जानना है वो www.aghortantrahasya.com पर लॉग इन करें। डायरेक्ट बात करने के लिए आप व्हाट्सएप पर अपॉइंटमेंट ले सकते हैं या कॉल मी फॉर ऐप पर rudranath@cm4 सर्च करेंगे तो आपको मेरा प्रोफाइल मिलेगा। आज के लिए इतना ही। भगवान भैरव आप सभी की रक्षा करें, ऐसे मेरी उनसे प्रार्थना। आप सभी को आदेश आदेश और आदेश।